एक और जहां इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम वार्ता पर मतभेद बरकरार है, वहीं इसराइल की ओर से लेबनान पर हमलों में भी साफ तौर से इजाफा देखा जा रहा है। बीते दिन इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई भीषण हमलों को अंजाम दिया, जिसमें कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। दावा है कि लेबनानी राजधानी बेरूत और अन्य इलाकों के ऊपर रात को आसमान विस्फोटों से पटा दिखा। इससे युद्धग्रस्त देश में तनाव बढ़ गया और आसमान में धुआं उठने लगा। इजरायली सेना ने दावा किया कि ताजा हमले टायर, बेरूत और बालबेक हरमेल ग्रामीण इलाकों में किए गए, जहां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आवासीय और व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। इससे सड़कें मलबों के ढेर में छिप गई। इससे बेघर होने वाले लेबनानी लोगों का आंकड़ा काफी बढ़ गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अकेले टायर शहर में 12 लोग मारे गए। मृतकों की पहचान के लिए DNA टेस्ट का सहारा लेना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेबनान में इजरायली हमलों की मार बेहद खतरनाक रूप से पड़ रही है। इसराइल की ओर से लेबनान के ऊपर लगातार हमले करने से मरने वालों की संख्या 3,700 से ज्यादा हो गई है। हमले लेबनानी पुलिस बैरक और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में सबसे बड़े सार्वजनिक पार्क के पास हुए, जिन्हें हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। इसराइली सैनिकों की पहले से ही निकासी की चेतावनियों के बावजूद हमले मध्य बेरूत के पास ईसाई इलाकों और जिलों तक भी पहुंच गए। अक्टूबर में दक्षिणी लेबनान पर इसराइल की ओर से हमले के बाद संघर्ष और बढ़ा, जिससे लेबनान में लगभग 1.2 मिलियन लोग विस्थापित हुए। हालांकि लेबनान में जारी विनाश लीला के बीच युद्ध विराम की उम्मीदें बढ़ रही हैं। इजरायली अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि कुछ ही दिनों में हिजबुल्ला के साथ समझौता हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते में 2 महीने का युद्ध विराम शामिल है। इस दौरान हिजबुल्ला इजरायली सीमा के पास के इलाकों से अपने लड़ाकों को हटा देगा। इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान छोड़ देंगे। सीमा पर गश्त लेबनानी सेना के जवानों की ओर से की जाएगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की बढ़ी हुई तैनाती की भी मदद लिए जाने का प्रस्ताव है। इजरायली अधिकारियों ने जोर दिया कि अगर हिजबुल्ला समझौते को तोड़ता है तो ऐसे हालात में इजरायल हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि इजरायली PM नेतन्याहू कथित समझौते पर अपनी सुरक्षा कैबिनेट से चर्चा करेंगे। ऐसी अटकलें भी है कि समझौते को लेकर इजरायली सरकार के अंदर भी काफी मतभेद गहराए हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन-गवीर ने समझौते की खबरों पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम से हिजबुल्ला को फिर से मजबूत होने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इस सीज फायर ऑफर पर लेबनान में हिजबुल्ला का लीडरशिप भी सहमति जता रहा है, लेकिन जब तक डील नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। दावा है कि जब से संभावित सीज फायर की चर्चा तेज हुई है, तब से हिजबुल्ला के हमलों में भी कमी देखी गई है। दरअसल जो दिन भर में इसराइल पर 150 से 200 रॉकेट तक दाग देता था, सोमवार को ये आंकड़ा गिरते हुए डबल डिजिट तक आ पहुंचा है। हालांकि इजरायली सेना यानी IDF इस सीज फायर के ऐलान से पहले हिजबुल्ला के सारे बड़े ठिकानों को नष्ट कर देना चाहता है, और इसीलिए लगातार एयर स्ट्राइक जारी है।